दोस्तों मैं शहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज आपके लिए मैं क्लाइमैक्स कंपनी का एक एम्पलीफायर लेकर आया हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एम्पलीफायर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन है। देखिए इसके अंदर ये MP3 कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ब्लूटूथ से, USB से और ऑक्स वायर से हम इसको चला सकते हैं। और इसको देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसको कार वगैरह में लगा सकते हैं, CD/DVD के थ्रू इसको चला सकते हैं। और इसके अंदर देखिए मेन सप्लाई दे रखी है, बिजली से भी इसको चला सकते हैं, लाइट से डायरेक्ट लगा कर इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटी दे रखी है। तो फ्रेंड इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब इसको हम लगा रहे हैं बिजली में तो ये ऑन तो हो रहा है लेकिन इसका ये वाला MP3 कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। ना तो यहाँ डिस्प्ले पर लाइट आ रही है और ना USB वर्क कर रही है और ना ऑक्स केबल वर्क कर रही है। देखिए मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट हमने इसको बिजली में लगा दिया। ये देखिए पावर तो इसके अंदर आ गई लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड इसको ओपन करेंगे और जो इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड इसको ओपन कर लेंगे हम। फ्रेंड देखिए इसको हमने ओपन कर लिया है और अब मैं एक बार इसके अंदर लगे कंपोनेंट को आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड इसके अंदर देखिए एम्पलीफाइंग प्लेट लगी हुई है जो कि 4440 IC के ऊपर बेस है। ये इसके अंदर इसका MP3 कार्ड लगा हुआ है जो ब्लूटूथ और USB वगैरह को कंट्रोल करता है। ये इसके अंदर कंट्रोलर लगे हुए हैं और ये इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए कुल मिलाकर इतना सामान इसके अंदर लगा हुआ है। तो फ्रेंड जैसे कि प्रॉब्लम हमारे MP3 कार्ड में है, ये नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। जब मैं आपको बता दूं कि इसको वर्क करने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए होती है तो सबसे पहले इसकी 5 वोल्टेज को हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि इसको वर्क करने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए होती है तो मैं आपको बता देता हूँ 5 वोल्टेज इसके अंदर 5 वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होगी। और देखिए ये इस जगह पर देखिए मैंने मल्टीमीटर की सुई वहाँ पर लगाई है और देखिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पर 0 वोल्टेज है, मतलब कि कार्ड पर 5 वोल्टेज जा ही नहीं रही है तो ये वर्क नहीं करेगा। और ये 5 वोल्टेज मैं आपको बता दूँ ये हमारी IC लगी हुई है। तो फ्रेंड हमारे पास ये IC लगी हुई है 7805 जो कि वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी और इस MP3 कार्ड पर दे देगी। तो हम इसके आउटपुट पिन पर वोल्टेज को चेक करेंगे। सबसे पहले इसके इनपुट पिन पर मैं आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाता हूँ कि क्या इसके इनपुट पर वोल्टेज आ रही है नहीं। ये देखिए पहली पिन इसकी इनपुट है और ये देखिए फर्स्ट पिन पर इसकी 17 वोल्टेज आ रही है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब इसके आउटपुट पिन पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसकी आउटपुट पिन पर कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है। तो जब वोल्टेज यहाँ पर जनरेट नहीं होगी तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड इस IC को हम चेंज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वोल्टेज है इस पिन पर जनरेट हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको चेंज करते हैं। देखिए फ्रेंड ये 7805 IC थी, इसको हमने चेंज कर दिया है। अब मैं दोबारा से सबसे पहले आपको इस पर वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी पिन नंबर फर्स्ट पर ये देखिए 18 वोल्टेज आ रही है जो भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि पहले आउटपुट पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड इसकी आउटपुट पिन पर 5 वोल्टेज आ रही है। तो अब आउटपुट पर आ गई है तो इसका मतलब इस MP3 कार्ड पर भी 5 वोल्टेज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सुई लगाता हूँ और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी 5 वोल्टेज आ रही है। और मैं अगर आपको इसको पलट कर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड इसका MP3 कार्ड जो है ये चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे तो पावर पहले ही आ रही थी, ये चलना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड आपने देखा MP3 कार्ड को, आप ये याद रखिए कि MP3 कार्ड को वर्क करने के लिए 5 वोल्टेज की ज़रूरत होती है जो कि 7805 से वोल्टेज को MP3 कार्ड में दिया जाता है। तो अगर आपके भी इसमें या किसी और होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम में MP3 कार्ड लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप 5 वोल्टेज को चेक करें और इसकी मदद से आप अपने MP3 कार्ड को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।